दोस्तों इमेजिन करो ऐसा एडवांस फ्यूचर जहां इंसानों ने युद्ध में लड़ने के लिए ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो अगर वही रोबोट्स अपने क्रिएटर्स को ही मार। फिल्म के स्टार्ट में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी दिखाई गई है जहां एक साइबोर्ग कैथरीन कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री में काम कर रही थी। तभी उसे एक मैसेज आता है जो किसी डिवाइस पर नहीं बल्कि सीधा उसके माइंड में ही डिलीवर हुआ था, और उसमें दिखाया जाता है कि SAR स्टडी एनालाइज रीप्रोग्राम नाम के रोबोट में कोई मसला आया था। ये युद्ध में लड़ने वाले रोबोट थे। कैथरीन इस बारे में अपने बॉस को बताकर एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ आज के दिन में ही 15,00,000 बार रोबोट्स को रीप्रोग्राम किया गया जो कि काफी अनयूजुअल था। बट बॉस आगे से उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। मेन बाल हम मिलिट्री बेस में कैप्टन डेमन बुक्स को देखते हैं जो अपने एक टीम मेंबर ड्रिफ्टर से रिपोर्ट मांगता है, जिस पर वो बताता है कि उनकी टीम को ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जाने का ऑर्डर मिला है। कैप्टन बुक्स ये सुनकर खुश नहीं होता, और तभी उसने पास बैठी कैथरीन को भी नोटिस किया था। सो वो सोल्जर इंचार्ज से बात करने जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी टीम काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही थी। बट इंचार्ज कहता है कि इस बार उनकी टीम को 2 दिन के लिए हार्बिंगर आइलैंड जाना है क्योंकि ऑफिसर्स को कॉम्बैट टाइम वाले सोल्जर्स चाहिए थे, और कैथरीन भी एज अ टेक गाइड उनके साथ जा रही थी क्योंकि उसे SAR रोबोट्स में आई प्रॉब्लम को चेक करना था। उसके बाद कैथरीन खुद को कैप्टन से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मैं ट्रेनिंग सेशन में रोबोट्स पर और आप लोगों पर नजर रखूंगी। वो उसे वहां आई प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताती। कैप्टन बुक्स कैथरीन को अपना आई स्कैनर बंद करने को कहता है, बट वो बोलती है ये नहीं हो सकता। उसके बाद प्लेन में बैठने पर कैथरीन कैप्टन बुक्स की टीम से मिलती है जिसमें ड्रिफ्टर, रोबिनसन, कटबिल, गुडविन, हैकेट एंड लॉफ्टस थे। टेक ऑफ के बाद सब टाइम पास करने लगते हैं, बट कैथरीन उन्हें स्कैन करके उनके बारे में जान रही थी। वो सब काफी अच्छे दोस्त थे। कैथरीन देखती है कि रोबिनसन की आईज में भी टेक इम्प्लांट्स थे। वो उसे डराने के लिए गन पॉइंट करता है, तो कैथरीन ये कहकर उसे शॉक कर देती है कि मैं किसी भी वेपन को देखकर ही उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। देन लोकेशन के करीब पहुँचने पर बुक्स टीम को इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है कि यहाँ उन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा। तभी कैथरीन को पता चलता है कि ग्लोबल नेटवर्क पर उसकी एक्सेस खत्म करके सिर्फ लोकल एक्सेस दी गई है। आइलैंड पहुँचने पर AI प्लेन उन्हें एक पुरानी फैसिलिटी के बाहर छोड़कर चला गया था। बुक्स फैसिलिटी के अंदर जाकर चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बाहर भी कोई मॉनिटरिंग ऑफिसर्स नहीं थे जो कि काफी अनयूजुअल था, बट वो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कैथरीन के पूछने पर बुक्स बताता है कि उनके पास कोई ग्राउंड सपोर्ट भी नहीं है, जिससे कैथरीन को खतरे का अंदाजा हो गया था क्योंकि वो प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही जानती थी, बट वो बुक्स को कुछ नहीं बताती। उसके बाद सब आगे बढ़ते हुए फैसिलिटी से बाहर एक जंगल में पहुंचते हैं जहां बुक्स कटबिल को ड्रोन भेजने के लिए कहता है ताकि वो लोकेशन ढूंढ सके। आगे बढ़ते हुए कैथरीन को पेड़ों के बीच एक अननोन ड्रोन नजर आता है। देन लोकेशन पर पहुंचकर सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ड्रिफ्टर कैथरीन के साथ था कि तभी 3 स्ट्रेंज ड्रोन सामने आकर उन्हें स्टेयर करने लगते हैं। कैथरीन ड्रिफ्टर को गोली चलाने से रोक देती है। वो उन ड्रोन्स को स्कैन करने की कोशिश कर रही थी। बाकी टीम मेंबर्स बताते हैं कि ये ड्रोन्स उनके सामने भी हैं। कैथरीन बताती है कि ये क्वांटम मॉडिफाइड ऑटोमेटिक ड्रोन्स हैं, उन्हें मॉनिटर करने के लिए। देन बुक्स टीम को आगे बढ़ने का कहता है, जिसके बाद फाइनली उनके प्रैक्टिस टारगेट सामने आते हैं जो कि काफी बेसिक से रोबोट्स थे। बुक सबको अटैक का प्लान बताकर पोजीशन लेने को कहता है। कैथरीन को दोबारा वो अननोन स्पेशल ड्रोन भी दिखाई दिया था। काउंटडाउन के बाद सोल्जर टारगेट पर अटैक कर देते हैं और ड्रोन्स उन्हें मॉनिटर करते हुए उनकी हर मूव रिकॉर्ड कर रहे थे। कैथरीन एक ड्रोन के पीछे डीप जंगल में जाती है तो वहाँ उसे इनका और भी एडवांस यूनिट SAR नजर आता है। कैथरीन उसके बारे में जानती थी मगर उसके ऊपर लगे ब्लड को देखकर वो शॉक रह जाती है और वो उसे स्कैन भी नहीं कर पा रही थी। काफी कोशिश के बाद वो रोबोट से कुछ फुटेजेस ले लेती है जिसमें वो लोगों को शूट कर रहा था। वो आंखें बंद करके सबको प्रोसेस करने की कोशिश करती है, बट आंखें खोलने पर SAR वहाँ से गायब हो चुका था। तभी बुक्स का मैसेज आता है कि आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, जिसके बाद वो सब कैंप लगाकर बातें करने लगते हैं। बट कैथरीन एक तरफ अकेली बैठी थी। वो SAR से ली गई फुटेज को दोबारा चेक कर रही होती है कि तभी ड्रिफ्टर उसके पास आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, बट कैथरीन असल बात नहीं बताती। साथ ही ड्रिफ्टर के पूछने पर कैथरीन रिवील करती है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। 11 साल की उम्र में उसे पैरालिसिस हो गया था, जिस पर हार्बिंगर कंपनी ने उसे AI में बदल कर उसकी जान बचाई और तब से ही वो उनके लिए काम कर रही थी। कैंप में वापस जाने पर बुक्स ड्रिफ्टर से पूछता है कि क्या कैथरीन ने तुम्हें इस मिशन के बारे में कुछ बताया, जिस पर वो बोलता है कि कैथरीन को एक्सेस नहीं मिल रही न जाने क्यों। बट बुक्स इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसे कैथरीन और इस ट्रेनिंग दोनों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। रात को भी कैथरीन को आसपास जंगल में बहुत से ड्रोन्स दिखाई देते हैं, बट वो सोने चली जाती है। तभी SAR की स्ट्रेंज फुटेज नजर आती है।
मीनवाइल लॉफ्टस बाहर पहरा दे रहा था कि तभी उसके पास मॉनिटर ड्रोन आता है जो कि फिर चला गया था। उसी पल लॉफ्टस को एक आवाज आती है और वो गन की लाइट में देखता है कि एसआर उसकी तरफ आ रहा था। लॉफ्टस उसे शूट करने की कोशिश करता है मगर उस पर कोई असर नहीं होता। चोर से सबकी आंख खुल जाती है बट लॉफ्टस वहां से गायब हो चुका था। वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। सुबह उन्हें एक जगह ब्लड नजर आता है जिससे थोड़ा आगे ही लॉफ्टस की डेड बॉडी भी मिल जाती है। कटबिल ये देखकर काफी इमोशनल हो गया था बट बुक सबको डिफेंसिव पोजीशन लेने को कहता है क्योंकि किसी भी टाइम अटैक हो सकता था। कैथरीन बताती है कि हम कल वाले टारगेट एरिया में खड़े हैं। एक ड्रोन भी उन्हें मॉनिटर करने आया था बट उसके जाते ही एक सडन अटैक से हैकेट मारी जाती है। ये देखकर सब लोग जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। बुक्स देखता है कि उनकी कल वाली पोजीशंस पर बहुत से ड्रोन्स खड़े होकर अटैक कर रहे थे। बुक्स और ड्रिफ्टर स्मोक ग्रेनेड्स फेंकते हैं ताकि एरिया को फॉग से कवर किया जा सके। शूटिंग फाइट करते हुए बुक्स किसी तरह रोबोट्स के करीब पहुंचता है बट सरप्राइजिंगली रोबोट्स उसे देखते ही पीछे हट जाते हैं। मीनवाइल हम कटबिल को भागता हुआ देखते हैं जो कि अपनी टीम से अलग हो चुका था। तभी ड्रोन्स आकर उसे मॉनिटर करते हैं एंड उनके जाते ही एसएआर वहां आकर कटबिल को मार देता है। उधर ड्रिफ्टर बुक से पूछता है कि उसने क्या देखा तो वो बताता है कि ये रोबोट्स कल वालों से बहुत ज्यादा एडवांस थे। उनके आर्मर सूट्स भी ऐसे थे जिन पर हमारी गोली का कोई असर नहीं हुआ था। वो गुस्सा करते हुए कैथरीन से सब बताने और उन रोबोट्स को बंद करने को भी बोलता है बट वो कहती है कि मैं उन्हें बंद नहीं कर सकती क्योंकि इनमें प्रोग्रामिंग एरर आया हुआ है। ये सुनकर बुक्स को और ज्यादा गुस्सा आ गया था बट ड्रिफ्टर बोलता है कि इसमें कैथरीन का कोई कसूर नहीं, ये प्रोग्रामर की गलती है। तभी रोबिंसन वहां आता है जो कटबिल को देखने गया हुआ था और उसे सिर्फ उसका हेलमेट ही मिला था। सो सारी टीम उसको ढूंढने जाती है और ड्रिफ्टर बोलता है कि इसमें कैथरीन की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो ऐसी चीजें देख सकती है जो हम नहीं देख सकते। तभी कैथरीन उन्हें दिखाती है कि वहां बहुत से जानवर मरे पड़े थे जिन्हें शायद रोबोट्स टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। सडनली कैथरीन बताती है कि उन्हें दूर से ट्रैक किया जा रहा है और उस तरफ देखने पर उन्हें बहुत से रोबोट्स दिखाई देते हैं जिन्होंने अटैक कर दिया था। सब लोग उनसे बचने के लिए भागते हैं। तभी एक शॉट कैथरीन को लगने लगता है तो बुक्स जल्दी से उसे पीछे खींच कर बचा लेता है जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरकर बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। कैथरीन पेड़ पर सर लगने से बेहोश हो गई थी। रात तक बुक्स किसी तरह कैथरीन को उठाकर फैसिलिटी की एंट्रेंस पर पहुंच चुका था। वो ड्रिफ्टर से कॉन्टेक्ट करके अपनी सिचुएशन बताता है। ड्रिफ्टर उनके पास जाना चाहता था बट बुक्स उसे सुबह तक अपनी जगह रुकने को कहता है। एंड देन कुछ घंटों बाद एक ड्रोन बुक्स के सामने आता है और फिर चला जाता है जिसके बाद एसआर वहां आता है बट बुक्स पहले ही कैथरीन को लेकर छुप चुका था। एसआर अंदर आता है तो कैथरीन आंखें खोलती है और दोनों का कनेक्शन होने के बाद रोबोट एसआर चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन को होश आ जाता है। वो 9 घंटे तक बेहोश रही थी। बुक्स उसे रात वहां आने वाले एसआर का बताता है तो वो बोलती है कि हमें उसे ढूंढना होगा। उसके बाद वो लोग बाकी बचे 3 सोल्जर से मिलकर वापस ड्रॉप पॉइंट पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि प्लेन आकर उन्हें ले जाए। जिसके बाद कैथरीन और बुक्स फैसिलिटी का एग्जिट डोर खोलने के लिए जाते हैं जबकि बाकी तीनों उन्हें कवर कर रहे थे। किसी भी प्रॉब्लम के बिना वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए थे। बुक्स उसे खोलने की कोशिश करता है कि तभी ड्रोन्स वहां पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुल नहीं रहा था सो कैथरीन कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करती है और तभी अचानक कुछ स्मोक ग्रेनेड्स वहां फेंके जाते हैं। रोबोट्स उनकी की गई मूव्स को कॉपी कर रहे थे और इससे पहले कि वो कुछ प्लान करते रोबोट सामने आकर अटैक कर देते हैं। भागते हुए ड्रिफ्टर को टांग पर गोली लग गई थी सो बुक सोल्जर को लेने के लिए जाता है मगर ड्रिफ्टर उनको भेजकर खुद रोबोट से फाइट करने लगता है जिससे उसे दोबारा गोली लग जाती है और एसआर उसके पास आता है। ये देखकर बुक्स उसे बचाने के लिए जाता है। कैथरीन भी वहां आ चुकी थी। उसे देखकर रोबोट शूटिंग करना बंद कर देते हैं। वो उन्हें डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती। एसआर ड्रिफ्टर को मारने वाला था कि तभी बुक्स उसे खुद ही शूट करके मार डालता है ताकि वो टॉर्चर से बच जाए। कैथरीन उसके मरने पर रोने लगती है। बुक्स उसे खींचकर फैसिलिटी के अंदर ले जाता है सो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने ड्रिफ्टर को क्यों मारा। उसे लगता था वो ड्रिफ्टर को बचा लेगी क्योंकि उसी ने ही एसआर रोबोट्स को बनाया था इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करते। ये सुनकर सोल्जर्स उस पर गन्स पॉइंट कर लेते हैं। कैथरीन एक्सप्लेन करती है कि इन रोबोट्स को सोल्जर से रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था ताकि किसी इंसान की युद्ध में जान ना जाए। इनमें किसी भी चीज को सीखकर अडॉप्ट करने की खूबी थी बट कैथरीन को समझ नहीं आ रहा था कि अब रोबोट्स इन सबको क्यों मार रहे थे, उन्हें इतना एडवांस किसने किया और इनकी टीम को यहाँ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए किसने और क्यों भेजा। वो तो बस एसएआर में आई रीप्रोग्राम की प्रॉब्लम को चेक करने आई थी। बुक्स उसे बोलता है कि मेरे आदमी तुम्हारी वजह से मारे गए और यहाँ हम कैथरीन को रोता हुआ देखते हैं। तभी अचानक रोबोट्स दरवाजे को काटने लगते हैं।
सो उन सबको छुपने के लिए कोई सही जगह चाहिए थी, जिसके लिए कैथरीन उन्हें एक और रूम में लेकर जाती है, जहाँ लाइट ऑन करने पर वहाँ बहुत सारे SCR मॉडल्स मिलते हैं। बुक्स कैथरीन को उन्हें ऑन करने से मना करता है। देन वो अगले दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें फैसिलिटी के सब एम्प्लॉयज की डेड बॉडीज मिलती हैं। कैथरीन एक स्क्रीन के थ्रू लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। बुक्स बोलता है कि हम कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ से रोबोट्स को स्लो डाउन कर सकते हैं। तभी कैथरीन उन्हें उस रूम में लॉक करके एक SCR को एक्टिवेट कर लेती है, ताकि उससे इन्फॉर्मेशन ले सके, क्योंकि सभी SCRs आपस में कनेक्टेड थे, तो उसका ख्याल था कि वो एक के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगी। सो स्पीच प्रोग्राम ऑन होते ही SCR कैथरीन के सवालों का जवाब देने लगता है। उसे ह्यूमन कॉम्बैट प्रोग्राम चलाने की ऑर्डर्स थे, जिसे कैथरीन कैंसिल करने की कोशिश करती है, बट नहीं कर पाती। रोबोट बताता है कि ट्रेनिंग सब्जेक्ट सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें और मोटिवेटेड टारगेट्स चाहिए थे। तभी कैथरीन को समझ आता है कि गार्डियन SCR ने ही ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी और इन्होंने खुद से ही अपने आप को रीप्रोग्राम किया है। सो वो पूछती है कि ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी, तो रोबोट बोलता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तभी सोल्जर्स कैथरीन से दरवाजा खोलने को कहते हैं, बट वो नहीं सुनती। वो दोबारा से SCR में एक्सेस लेना चाहती थी, बट नहीं कर पाती, और वो गार्डियन रोबोट्स बाकी सब SCRs को एक्टिवेट करने लगता है। सडनली बाहर से दरवाजा काट कर रोबोट्स अंदर आने लगे थे और वो सभी कैथरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर तभी रोबिंसन किसी तरह दरवाजा खोलकर कैथरीन को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद रोबोट्स उस दरवाजे को भी काटने लगते हैं। उधर कंट्रोल रूम में बुक्स ने बॉम्ब सेटअप कर लिए थे। इतनी देर में रोबोट्स भी अंदर आ चुके थे और उनके पास भागने के लिए बहुत कम समय था, बट तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। कैथरीन के अंदर फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होती है, जिससे उसे पता चलता है कि रोबोट्स के पास EMP ग्रेनेड्स हैं एज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टर। किसी तरह वो सब बचकर बाहर निकल गए थे, जहां उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स मिलते हैं। कैथरीन वापस अंदर जाकर एक डिस्ट्रॉयड रोबोट का EMP ग्रेनेड ले आती है और सोल्जर्स वेपन्स डिवाइड करके पोजीशन ले लेते हैं। उधर कैथरीन रोबोट के थ्रू अपने साथियों की डेथ फुटेज देखकर इमोशनल हो गई थी। अब सब लोग रेडी होकर रोबोट्स के आने का वेट करने लगते हैं। कैथरीन बुक्स को ग्रेनेड का बताते हुए कहती है कि ये रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। हम इसे SCR लीडर को मारेंगे, जिससे बाकी सब यूनिट्स खुद ही रुक जाएंगे। ये सुनकर बुक्स बोलता है कि इस एक्सप्लोजन से तो तुम भी मर सकती हो, बट वो बोलती है कि हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। इंतजार करते हुए सारी रात गुजर जाती है एंड फाइनली सुबह रोबोट्स आते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी। रोबोट्स के आते ही रोबिंसन और बुक्स ने गन फाइट स्टार्ट कर दी थी, जबकि कैथरीन एरिया को स्कैन करने लगती है कि बॉम्ब्स ट्रिगर करने के लिए गुडविन को सिग्नल कब देना है, जिन्हें उन्होंने डिफरेंट जगहों पर छुपा रखा था। इस तरह से वो लोग काफी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बट तभी एक ड्रोन गुडविन को ढूंढ लेता है, सो वो अपनी जगह से हट जाता है। SCR फिर भी उसके पीछे लग गया था, बट बुक्स किसी तरह उसे बचा कर ले आता है, मगर उन्हें कवर बैक करते हुए रोबिंसन गोली लगने से मर जाता है। उधर गुडविन से रोमोट रास्ते में ही कहीं गिर गया था। बुक्स उसे लेने जाता है, बट कैथरीन भी वहां पहुंचकर उसे उठा लेती है। रोबोट्स उनके काफी करीब आ चुके थे और अब उन्हें EMP ग्रेनेड चलाना था। बुक्स कैथरीन को वहां से भाग जाने को कहता है, ताकि ग्रेनेड उसे इफेक्ट ना करे, बट वो नहीं मानती। तभी अचानक एक SCR कैथरीन को शूट कर देता है, मगर फिर भी वो जल्दी से ग्रेनेड चला देती है, जो कि गाड़ी में था। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब रोबोट शट डाउन हो गए और कैथरीन भी ठीक लग रही थी, बट सडनली एक SCR उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बुक्स कैथरीन को लेकर जल्दी से एक बिल्डिंग में चला गया था। SCR के पीछे आने पर बुक्स उसे शूट करने लगता है। तभी कैथरीन क्रॉल करते हुए उस रूम में पहुंच जाती है, जहां रोबिंसन की बॉडी थी। बुक्स को भी रोबोट उठाकर वहां फेंक देता है, बट मारता नहीं है, क्योंकि उसे बुक्स को मारने के ऑर्डर नहीं थे और अपने प्रोग्राम को पूरा करने के लिए और डेटा भी चाहिए था। वो बुक्स को छोड़कर कैथरीन की तरफ बढ़ जाता है, मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, कैथरीन रोबिंसन की राइफल एक्टिवेट करके SCR को शूट कर देती है, जिसके बाद वो रोबोट कैथरीन से कनेक्ट होकर सारी इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में डाउनलोड कर देता है। लास्ट सीन में प्लेन उन्हें वहां से ले जाने के लिए आता है और कैथरीन की आईज खुलती हैं, जिनमें हमें उन SCRs का मिशन प्रोटोकॉल दिखता है। शायद कैथरीन भी अब एक SCR में कन्वर्ट हो चुकी थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।